एंड माय चाइल्डहुड फ्रेंड अमोल। सो बहकी सभी जुबान कम है हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड। संडे राइड शॉर्ट राइड विद माय फ्रेंड्स। अभी हम लोग निकलने वाले हैं लोनावला साइड में, कहाँ पे जा रहे हो आप ब्लॉग देख के पता चल जाएगा कौन कौन है, उनका भी इंट्रोडक्शन मैं करा दूंगा ब्लॉग में, बने रहिए वीडियो के एंड तक। निकलते हैं अभी बाइक के ऊपर, फ्यूल अप करना है और उधर से फिर निकलेंगे आगे। अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं, मॉर्निंग के 7 o'clock पर पूरा वीडियो एंड तक। तो गाइस फाइनली राइड चालू हो गया है, नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द पेट्रोल पंप, तो उधर से हम लोग निकलेंगे आगे। फ्यूल अप करते हैं, वहाँ से हम लोग विल गो टू वड़ाले लेक, जहाँ पे सब लोग मिलेंगे, मतलब 2-3 लोग ही हम लोग, लिमिटेड लोग जा रहे हैं, ज्यादा लोग भी नहीं है। तो इट इज अ प्लेजेंट संडे राइड, ट्राई करेंगे जल्दी आने का, लेट्स सी हाउ इट गोज। वो लोग जो अभी मिलेंगे तभी मैं उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। बारिश आने लग गया वापस। सो गाइस टुडे वी हैव कॉन्टिनेंटल जीटी 650 एंड माय चाइल्डहुड फ्रेंड अमोल। सो यार ही वाज विद मी सिंस फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर अ राइड। और अभी हम लोग तेजस का वेट कर रहे हैं, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग। देखते हैं अभी बारिश आ रहा है धीरे धीरे, तेजस का ही वेट कर रहे हैं। 8 o'clock तक हम लोग निकल जाएंगे, वी आर प्लानिंग फॉर कोंडेश्वर, वहाँ से फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं और आगे। वहाँ से रिटर्न ही आना पड़ेगा बिकॉज एंड बालों की पूरी वाट लग गई है क्योंकि हेलमेट पहना था और जो ये लग रहा था, तो मैं मॉर्निंग में ही आया था। अभी हम लोग निकलेंगे, थोड़ी देर और वेट करेंगे, वेरी राहुल सर एंड द कॉन्टिनेंटल जी टी 650। अभी एन एस आ रहा है 200 तो इधर से अभी हम लोग निकलेंगे सीधा कोंडेश्वर के लिए। तो लोनावला जाएंगे, उधर एक थोड़ा ब्रेक लेंगे, फिर आगे मैप लगाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो गाइस वी आर लीविंग, बारिश बहुत जोर से आ रही है, फॉग भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो वी आर लीविंग एंड देखते हैं क्या सीन। क्या बोलते हो, कोंडेश्वरला जाओ, कोंडेश्वरला जाओ या हाँ तेज भीमा शंकर। अरे नहीं भाई जमणार नाही किती, नको नको बिलकुल नाही जमणार। अरे तो जो मुलगा आलाय ना त्याचा जॉब पण आहे रे आज। हा तो काय बोलत होता, बिझनेस का जॉब काहीतरी आहे त्याचा, आणि माझं पण जायचं रे कॅफे खोलायचं आहे। काय बोलतोय, ग्लव्ह आठवते का? सो गाइस तेजस इज विथ अस, अच्छा ग्लोव्स घालते हैं। आता टाइम क्या चले। तो गाइस अभी अमोल है हमारे सामने, हमारे पीछे है तेजस, तेजस इज कमिंग फ्रॉम बैक साइड। तो गाइस ये एक्सप्रेस वाला बराबर चला रहा नहीं है, क्या हो गया उसको क्या मालूम, बार बार बीच में आ रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू एंड दिस टू, ये दोनों, ये कपल, ये इतना बकवास चला रहा है ना गाड़ी, ब्रो क्या बोलने का इनको। They want to race with us. अभी रेस करूँ क्या बारिश में, फ्रेंड रेस नहीं कर सकते बारिश में ब्रो, उनको कैसे समझते नहीं है, मेरे टायर टकले मैंने रेस करेगा, रेस करने के लिए कुछ नहीं है लेकिन वाट लगेगी रेस करके, इसलिए मैं रेस नहीं कर रहा। See, like this they are doing. They are waiting for some time. Let us go in front and then they are coming again, coming from the back side. They are thinking that they are just fooling us or anything like that. Look at that chapri, look at that chapri. Oh my god, shit. I also told Amol that just be little slow because it is rain. Amol is also riding too speed. Bro, continental bhagta hai. Continental bhagta hai bro, yes. कॉन्टिनेंटल मस्त भाग रहे हैं। दे वर गोइंग टू जॉइन अस बट दे कैंसल द प्लान एंड सो वी थ्री आर गोइंग ऑन द राइड, वीकेंड राइड। आई आस्क अमोल दैट आर यू ओके फॉर द राइड, देन ही जस्ट टेल मी या आई एम ओके विद द राइड, वी लीव ओके।
सो गाइज नाउ वी आर इन खपोली एंड अभी हम लोग खपोली पहुंच चुके हैं। वी गाइज आर इन खपोली, यहाँ से अभी हम लोग लोनावला चढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर वहाँ से आगे हम लोग जाएंगे कुंडेश्वर के लिए। तो फ्रॉम हियर वी हैव टू टेक राइट टर्न। मैं फर्स्ट फ्रेंड के साथ राइड पे आने का मजा ही कुछ और है। तो ये मेरे लाइफ का फर्स्ट फ्रेंड था फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो कुछ भी हो यार, लाइफ में सब लोग बिजी आप अपने टाइम निकाल के आना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। और दोनों के साइड से मतलब उतना ही ये था कि हाँ भाई राइड करने का ही है, कोई आए या ना आए हम लोग राइड करेंगे। या राइडिंग से ज़्यादा पावर ऑफ फ्रेंडशिप है यहाँ पे। यहाँ पे अभी हमको बटर राइडर्स वाले मिल गए, मतलब हो गया काम। देवी राज भी फॉर द राजमा जी एंड मैं राजमा जी का जाने का कुछ ये नहीं है क्योंकि दोनों भी टायर टकले हो गए दोनों टायर। एंड इधर रास्ते पे चलाने के लिए डर लग रहा है। राजमा जी में मैं जाऊँगा मतलब दो तीन लोगों को लेके ही गिरूंगा, ऐसा वाला फीलिंग है। इसलिए आज राजमा जी और गंदा होने का मूड नहीं हो रहा है ज़्यादा। मतलब बारिश है लेकिन बारिश अभी तक प्रॉपर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी अभी चालू हुआ है बारिश। और उसमें भी मुझे ये नहीं हो रहा है, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ उसको। प्रॉपर बारिश चालू हो जाता है ना मतलब कीचड़ वीचड़ सब निकल जाता है, तभी बाइक चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। अभी थोड़ा स्लश है रोड के ऊपर। तो बटर राइडर ग्रुप से कोई देख रहा था, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने प्लान भी डाला था कुंडेश्वर का लेकिन टायर टकले है दोनों भी। टायर चेंज जब तक नहीं होते तब तक मैं कौन से भी कीचड़ में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑफ रोडिंग में मेरा वाट लग जाएगा पूरा बाइक का। सिंगरूबा टेम्पल। तो गाइस दिस इज सिंगरूबा टेम्पल, ये बहुत ही अच्छा टेम्पल है। मैं कभी भी राइड पे आता हूँ तो मैं पैर पड़ के ही ऊपर जाता हूँ। ओल्ड हाईवे पे मज़ा ही कुछ अलग है। तो कौन सी गाड़ी आ गई ना तो लेके चली जाएगी उनको। ओह माय गॉड, ट्रक कहाँ पे पार्क किया है, बाइक बंद हो रहा है। तो गाइस हमको मिल गया है फॉग, बहुत सारा फॉग। ये लोनावला फेमस है बहुत। मेरा गाड़ी बंद हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा पेट्रोल लीक हो रहा है। तो आई हैव टू वेट समवेयर। तो सब लोग साथ में रुकेंगे तभी मैं डायग्नोस करूँगा। और यहाँ पर कोई गैरेज वाला भी नहीं है क्या, मतलब नहीं है। तुम कहो एकदम फोटो गैलर हम लोग तो फोटो हाँ चल। गाइस सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे मंकीज दिख रहे हैं। विजिबिलिटी पूरी गई है आगे की, तो फॉग धीरे धीरे कम हो रहा है। Bye.
anyone to get off their darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. गाइस अभी हम लोग लोनावला में प्रॉपरली ऊपर नहीं पहुंचे, बस निकलेंगे अभी आगे, थोड़ा फॉग देख रहे थे और भी यहाँ से भी आगे का कुछ विजिबिलिटी इतना कुछ है नहीं खास, और मेरा एंटी फॉग नहीं है तो मेरे को थोड़ा दिख रहा नहीं है रोड, वाइजर खोल के चलाऊंगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं आगे, देर भी बहुत हो रहा है। वैसे अभी कितना 38 किलोमीटर है, 38 किलोमीटर है का टाइम 38 तक किलोमीटर 38 है। अभी यहाँ से निकलते हैं तो सीधे वहाँ पे मिलते हैं। माइक निकाल के रख दिए हैं बारिश की वजह से, पीछे गैरेज वाला दिखा। रिपेयरिंग होते गाड़ी कुठे होते पुढे आणि पुढे होते का चल चल सॉरी सॉरी चल। ये है वर्चुअली टोल नाका, मुझे डायरेक्ट ही बाइक चलाना पड़ेगा अपना, क्योंकि मुझे लग रहा था फ्यूल का इशू है, फ्यूल गैस का इशू है, पेट्रोल का इशू है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को डायरेक्ट बाइक चलाना पड़ेगा और सब ये डायग्नोस मेरे को घर पे जाके करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कारला के रोड पे, कारला जो कि एक वीरा माता को जाने का रोड है कारला, वहाँ पे आप की सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है।
इधर लगे पार्किंग करें। तो गाइस फाइनली हम लोग है कुंडेश्वर टेंपल और यहाँ पे वाटरफॉल सब लोग देख सकते हैं। ये मोबाइल घसरला था इंश्योरेंस मध्ये मैपल वाले उडे टाकणार का ते When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity. गाइस यहाँ पे हिल स्टेशन और लोकेशन बहुत ही अच्छा है, तो ऐसे मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कैंपिंग करने आऊँगा। बहुत ही हाइट पे हम लोग। तो गाइस अभी यहाँ से हम लोग चल रहे हैं वापस पनवेल, वहाँ पे सब लोग निकलते हैं यहाँ से बाइक से। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए टी पॉइंट के नीचे, क्योंकि ब्रिज के नीचे तो स्टेजेस में बाय बोलता हूँ। और अमोल आगे गए हैं, निकल गए आगे। तो मैं थोड़ा फ्यूल अप करने के लिए रुका था और स्टेजेस भी हम लोगों के लिए रुका था। विद दैट सेड वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।